तुम्हारे भाई का यहाँ इलाज नहीं हो सकता, इसे किसी दूसरे हॉस्पिटल ले जाओ। क्यों डॉक्टर साहब, रिसेप्शन पर तो कहा कि इलाज हो सकता है, तभी मैं अपने भाई को आपके पास लेकर आई। अरे वो नया स्टाफ है, उन्हें ज्यादा कुछ नॉलेज नहीं, तो दूसरे हॉस्पिटल लेके चले जाओ। ठीक है डॉक्टर, तो आप मुझे मेरी फीस दे दीजिए जो मैंने रिसेप्शन पर जमा करी थी। दिमाग खराब है तुम्हारा, कभी डॉक्टर को दी हुई फीस वापिस होती है? डॉक्टर आप इलाज भी नहीं कर रहे और मेरे पैसे भी नहीं दे रहे। अरे तो जब इलाज होता ही नहीं तो करूँ कहाँ से, और वैसे भी तुमने डॉक्टर को फीस दिखाने के लिए दी थी ना, और मैंने देख लिया। डॉक्टर ऐसे मत करिए, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे लिए 2000 रुपये बहुत मायने रखते हैं, आप मेरे पैसे वापस दे दीजिए। ऐसा है, अपने भाई को लो और यहाँ से निकलो, जाओ यहाँ से। डॉक्टर आप ये सही नहीं कर रहे, गरीब के पैसे लेकर आप अमीर हो जाएंगे क्या? चुपचाप ना अपने भाई को लो यहाँ से और निकलो, नहीं तो यहीं मर जाएगा और इसका खर्चा भी मुझे ही देखना पड़ेगा फिर, जाओ यहाँ से। डॉक्टर निकलो यहाँ से। सर वो बाहर रिसेप्शन पे लड़की आई अपने भाई को लेके, बोल रही थी कि आपने इलाज करने से मना कर दिया, पर सर उसके भाई को तो डेंगू हुआ है और डेंगू का इलाज तो आप करते हो। अभी तुमने उनकी हालत देखी है, कितने गरीब हैं वो, मैं उन्हें एडमिट भी कर लूँगा ना, यहाँ की फीस नहीं भर पाएंगे वो। कह तो आप सही रहे हो सर, इसलिए भगा दे उन्हें यहाँ। ठीक है सर। तुम यहाँ कैसे आई, तुम बोला था ना जाने के लिए, निकलो यहाँ से। जाओगे तो अब तुम, वो भी इस हॉस्पिटल से, जब तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल होगा। अच्छा और वो क्यों? मैं इस एरिया की चीफ मेडिकल ऑफिसर हूं, और वो मेरा भाई नहीं था, मेरा असिस्टेंट था। क्या तुम्हारे खिलाफ काफी कंप्लेंट्स आ रही थी कि तुम गरीबों से पैसे लेकर उनका इलाज नहीं करते, इसलिए तुम्हें रंगे हाथों पकड़ने के लिए मैंने ये सब किया। मैडम आप गुस्सा क्यों हो रही, मैंने आपको पहचाना नहीं। कोई बात नहीं, अब तो तुम्हारे पास बहुत टाइम है, घर पर बैठकर आराम से जानते रहे, क्योंकि अब तो किसी पेशेंट का इलाज कर नहीं पाओगे तुम। मैडम आप शांत हो जाइए, आप बैठिए, आप बैठिए, कुछ ले दे के कर लेते हैं। तुम मुझे रिश्वत दे रहे हो, अब ऑन ड्यूटी ऑफिसर को भी रिश्वत देने का चार्ज लगेगा तुम पे, लंबा अंदर जाओगे तुम। मैडम माफ कर दो मैडम, आइंदा से नहीं होगा, कभी नहीं करूंगा जिंदगी में। अब जब तुम घर पर बैठोगे ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि उन गरीबों के साथ तुमने कितना गलत किया। मैडम If you are going through any psychological or relationship problem, then you can join our positivity group by the name of Nijo Positive. It's a community counseling group wherein you can submit your problems anonymously and people in the group will try to solve it or support you with positivity. The link is in the description below. Thank you. Bye-bye.